नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास के गवर्नर जनरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह आप लोगों को सामने लेके आया हूँ। देखिए पहला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? यह लॉर्ड कार्नवालिस के समय प्रारंभ हुई थी। देखिए प्रशासनिक सेवा, लॉर्ड कार्नवालिस जो था उसका शासनकाल 1786 से 1793 में किया था। इसने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, और इसने बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली की भी शुरुआत की थी लॉर्ड कार्नवालिस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1882 ईस्वी में अस्थाई स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो यह लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। यह जो थी संस्था, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड, प्रत्येक जिले में उपविभाग, तालुका बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिका स्थापित किया गया था इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। देखिए वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया था, और इस गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन था वह जॉर्ज विवेट ने तैयार किया था। जॉर्ज विवेट ने इस गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम क्या था? प्रथम आपका सही आंसर है दो सरकार। आइए इस प्रश्न का समझते हैं। द्वैध शासन दो सरकार के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध क्लाइव से है, और अस्थाई बंदोबस्त 1793 का संबंध लॉर्ड कार्नवालिस से। सहायक संधि का प्रणाली का जो आविष्कारक है वह लॉर्ड वेलेसली था, तथा गोद की नीति लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की थी। इसमें सबसे पहले दो सरकार अस्थाई बंदोबस्त या द्वैध शासन के नाम से दो सरकार को जानते हैं, द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? तो वह है सहायक संधि। रिचर्ड कोले वेलेजली जो था, जिसे मार्क्वेस ऑफ वेलेजली के नाम से जाना जाता है, 1798 में सर जॉन सोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना था। उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर अपने को लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। देखिए लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, भरतपुर राज्यों के साथ सहायक संधि की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ इसके तहत जो अपने पद पर 1833 से 20 मार्च 1835 तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलैक्ट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहे और रोलैक्ट एक्ट 1919। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे। तो मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय के समय हस्ताक्षर हुए थे। देखिए, ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा 1215 में पारित हुआ था। इस पर जॉन द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। 73 धाराओं वाले इस चार्टर पर भारी करों से त्रस्त एवं अधिकारों से वंचित सामंतों व जनताओं ने मिलकर 1215 ईस्वी में राजा जॉन द्वितीय को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। मैग्ना कार्टा पर 1215। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा अगस्त घोषणा 1917 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत में सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी गई। इसमें इन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासकों संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो। नेक्स्ट है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड केनिंग ने समाप्त किया था। 1858 के एक्ट द्वारा भारत राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों बोर्डों द्वारा शक्तियां प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1784 के पिट इंडिया एक्ट द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस समय लॉर्ड केनिंग ब्रिटिश वायसराय था। प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया। यह 1773 में लाया गया था। देखिए, अधिनियम जो था 1773 के अंतर्गत भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण 1773 में ही स्थापित होने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वायसराय को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं के साथ सुमलेखित कीजिए। देखिए, जैसे लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड वेवेल का संबंध शिमला समझौता से है। लॉर्ड रीडिंग ये मोपला विद्रोह से संबंधित है। विलिंगटन सांप्रदायिक पुरस्कार से संबंधित है। और बचा लिनलिथगो पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग के समय यही गवर्नर जनरल थे। तो आपके इस समय उपयुक्त आंसर में आता है ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही रूप से मिलान कीजिए, निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। देखिए,
रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, प्रश्न को समझिए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था और विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल की गई थी। चार्ल्स मेटकॉप द्वारा ही भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची वन तथा सूची टू को मिलान करें। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में फारसी के स्थान पर उर्दू को न्यायालय की भाषा बनाया गया। मिंटो प्रथम के कार्यकाल में रंजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की थी। एलन ब्रो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर सिंध का भारत में विलय कर दिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में पब्लिक वर्क्स विभाग स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो यह आपका उपयुक्त आंसर 1858 में हुआ था। ऐसा नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपका उपयुक्त आंसर है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो यह अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, इनमें से कौन था? तो वह था नागपुर, सतारा, झांसी। आपका उपयुक्त आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे। तो इसमें आपका आंसर आ गया ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सतारा, अवध, सिंध, झांसी, नागपुर, ये सबको अधिकृत किए गए थे, ग्वालियर को नहीं किया गया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ करवाया था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करवाया था जिसमें पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया था और ओ सेंधेनेसी को विद्युत टेलीग्राफ का अधीक्षक नियुक्त किया था, सेंधेनेसी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ था? देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के सुझाव में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जनवरी 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इनके निर्माण के लिए सुझाव दिया था।
इसका निर्माण कार्य वर्ष 1906 से 1921 के बीच हुआ था। इस प्रकार इनका निर्माण मिंटो हार्डिंग द्वितीय तथा चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में भी हुआ था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? यह संबंध 1865 में स्थापित हुए थे और उस समय गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय इंडिया पीनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC पारित किए गए थे? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था, जो आपके उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडेचेरी थी। 1701 में पांडेचेरी को पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों की सभी बस्ती का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामले का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कोई भी प्रश्न में त्रुटि रहे तो कमेंट करके बताएं। जय माता दी।